हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर के बारे में, मतलब आईएएस ऑफिसर कौन होते हैं, इनकी जॉब कैसे लगती है, कौन सा एग्ज़ाम देने के बाद में इनकी जॉब लगती है और इनकी जॉब के बाद में इनकी सैलरी स्केल क्या होती है, सैलरी के साथ साथ इनको कौन कौन सी सुख सुविधाएँ, कौन से पर्क्स और फैसिलिटीज़ दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और इनका हमारे स्टेट में राज्य में कौन सा स्थान होता है, तो ये सभी बारे में आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। करने से पहले फ्रेंड्स मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट और ट्रेंडिंग न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। साथ ही साथ आप हमसे फ्रेंड्स हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं ताकि ऐसी रोचक खबरें आपको वहां से भी मिल सके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के हमारे इस टॉपिक आईएएस ऑफिसर के बारे में। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रेंड्स ये तो हम सभी को पता होगा कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद में आईएएस ऑफिसर बना जाता है। तो फ्रेंड्स आईएएस ऑफिसर बनना कोई आसान नहीं है, ये भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और हर साल फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बताऊँ कि हर साल देश भर के लाखों युवा, लाखों स्टूडेंट्स इस यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होते हैं, जिसमें से टॉप 100 रैंक, मतलब टॉप 100 रैंक में से कुछ किस्मत वालों के नाम ही ये शामिल होता है। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हर उम्मीदवार का सपना होता है कि एक दिन वह भी आईएएस ऑफिसर बन जाए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद आईएएस अधिकारियों का कितना वेतन मिलता होगा? तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं सैलरी और इनकी सुख सुविधाओं के बारे में। इसमें सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड्स तो आईएएस अधिकारी बनने के बाद उस उम्मीदवार को काफ़ी बढ़िया सैलरी मिलती है। और फ्रेंड्स अगर सातवें वेतन सेवन्थ पे कमीशन के अनुसार किसी भी आईएएस अधिकारी का मूल वेतन 56,100 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक पहुंच जाता है। फ्रेंड्स ये जो सैलरी है वो इनकी ग्रेड पे के हिसाब से, इनके प्रमोशन के हिसाब से डिपेंड करती है। इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है फ्रेंड्स वो 56,100 रुपये, मतलब 56,100 रुपये से स्टार्ट होकर लास्ट जो सैलरी इनको मिलती है वो है 2,50,000 रुपये तक, मतलब मैक्सिमम इनको 2,50,000 रुपये तक की सैलरी इनको दी जाती है। इसके बाद में फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से आवास दिया जाता है, मतलब रहने को घर दिया जाता है, लिविंग क्वार्टर्स दिया जाता है। जो तैनात होने वाले राज्य के राजधानी में वीवीआईपी प्रतिबंधित क्षेत्र में आईएएस अधिकारियों को एक डुप्लेक्स बंगला दिया जाता है और अन्य जिला और या आयुक्त या मुख्यालय में पोस्टिंग होने के बावजूद भी निरपेक्ष रूप से इनके द्वारा ये लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि गवर्नमेंट व्हीकल, एक आईएएस ऑफिसर को गवर्नमेंट की तरफ से 1 से लेकर 3 तक सरकारी गवर्नमेंट व्हीकल मुहैया कराए जाते हैं, मतलब 1 से लेकर अधिकतम मैक्सिमम 3 गाड़ी तक सरकारी गाड़ी तक विद ड्राइवर दी जाती है और साथ ही साथ उसकी उन गाड़ियों का फ्यूल का और उसकी मेंटेनेंस का सारा खर्चा जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा ही वहन किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट ही उठाती है। इसके बाद में फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि सुरक्षा सिक्योरिटी, एक आईएएस अधिकारी और उसके परिवार को बहुत कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेनली इसमें फ्रेंड्स राज्य मुख्यालय में नियुक्त आईएएस अधिकारी को 3 होमगार्ड और 2 बॉडीगार्ड आवंटित किए जाते हैं, मतलब 3 होमगार्ड और 2 बॉडीगार्ड प्रदान किए जाते हैं। उनके जीवन के लिए खतरा होने की स्थिति में उनकी सुरक्षा में एसटीएफ कमांडो भी तैनात किया जा सकता है। और इसी में फ्रेंड्स जिला और मजिस्ट्रेट और जिला आयुक्त के पद पर तैनात होने वाले आईएएस अधिकारी के लिए पूरा पुलिस बल उनके अंतर्गत होता है, वे जरूरत पड़ने पर अपनी सुरक्षा कवर अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स बिल की, तो निजी उपक्रम में कर्मचारियों को विपरीत आईएएस अधिकारी को आम घरेलू सेवाओं के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता। उदाहरण के लिए उनके कार्यालय आवास, मतलब कार्यालयी आवास के लिए बिजली या तो पूरी तरह मुफ्त या बहुत ही अधिक सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाता है। इसी तरह उन्हें मुफ्त टॉक टाइम, SMS और इंटरनेट सेवाओं के साथ 3 BSNL सिम कार्ड आवंटित किए जाते हैं। साथ ही साथ उनको मुफ्त BSNL लैंडलाइन कनेक्शन और 1 ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी उपलब्ध गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसी के बाद में फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि एक आईएएस अधिकारी को यात्रा, मतलब जर्नी भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, मतलब उसका भी सारा खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से ही वहन किया जाता है। आधिकारिक और अनाधिकारिक यात्राओं के लिए आईएएस अधिकारी सर्किट हाउस, सरकारी बंगले या अलग अलग राज्यों के विश्राम गृहों में रियायत दरों पर आवास सुविधा का आनंद लेते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं फ्रेंड्स घरेलू स्टाफ, तो एक आईएएस अधिकारी को आधिकारिक आवास या सर्विस क्वार्टर के प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख हेतु घरेलू स्टाफ भी प्रदान किया जाता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं कि इन्हें स्टडी लीव भी प्रदान की जाती है, मतलब एक अन्य सुविधा का आनंद जो एक आईएएस अधिकारी उठाता हुआ है 2 से 4 वर्ष तक का अध्ययन अवकाश भी इन्हें प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत आईएएस अधिकारी किसी प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए 4 साल तक का अवकाश भी ले सकते हैं, जिसके खर्च का पूरा वहन सरकार द्वारा किया जाता है।
फ्रेंड्स इसके बाद में आती है कुछ एक्स्ट्रा कुछ अन्य फैसिलिटीज़। आईएएस अधिकारी कई अन्य सुविधाएं जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन भर पेंशन और कई अन्य सेवानिवृत्त लाभ के रूप में आनंद भी उठा सकते हैं। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स की अनाधिकारिक लाभ। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जिले या उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित सभी प्रमुख कार्यक्रमों में आयोजित किया जाता है, जिसमें मुफ्त टिकट और क्रिकेट मैच के लिए पास जैसे और म्यूजिकल पार्टीज़ या अन्य सभी तरह से शामिल है। फ्रेंड्स यहाँ हमने ये जाना कि एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी प्लस साथ में उनके कौन कौन सी फैसिलिटीज़ पर्क्स और फैसिलिटीज़ सुख सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल एडवोकेट गौरव के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।